बीते शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है, जिसमें कुल 21 राज्य शामिल थे। हालांकि यूपी के कानपुर में अभी लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के बीच छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे रमेश अवस्थी पर दांव लगाया है, लेकिन इस नाम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी लगातार नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में बीजेपी नेता ने कहा कि कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी की कार्यकर्ताओं में पहचान भी नहीं है, उन्होंने पार्टी में आखिर क्या योगदान दिया है। टिकट मिलने के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी लगातार सुर्खियों में बने हैं। ये नाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नया है, जिसके बाद उनके चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर अब कानपुर से बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी, पूर्व राष्ट्र संयोजक बजरंग दल के पद पर आसीन रह चुके दिग्गज नेता प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है और कानपुर से प्रत्याशी के चयन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 400 पार के संकल्प का पूरा होना अब मुश्किल है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से अनेक प्रकार के कार्यकर्ताओं की चर्चा जो मुझसे हुई है, उसको शब्द रूप दे करके और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का मैंने काम किया, क्योंकि हम सब अब की बार 400 पार का नारा लेकर के चल रहे हैं और किसी भी जगह अगर त्रुटि के कारण कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होगी, और इसलिए एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते मैंने अपनी बात यह प्रधानमंत्री तक पहुँचाई। क्या डिमांड की है आपने? नहीं, हमने उनसे कहा किया जाए, अभी समय है, अन्यथा पार्टी का जो निर्णय है वो तो सब स्वीकार करेंगे ही, पार्टी के निर्णय से बाहर जाने की कभी कोई बात नहीं रही, लेकिन अगर अभी समय है और समय रहते किसी चीज को सुधारा जा सकता तो ये आग्रह मैंने कार्यकर्ताओं की तरफ से किया है, उस पर वो परीक्षण और पता करेंगे, जो उचित निर्णय होगा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। टिकट काफी समय हो गया, लगता नहीं कि काफी देर हो गई? क्यों देर हो गई, जब तक टिकट नाम वापसी नहीं हुई तब तक क्या एक दिन में टिकट बदल रहे हैं? बदलने और ना बदलने, मैं कह रहा हूँ कि बात तो सही पहुंचे, घोषणा के बाद से क्या हुआ है, क्या परिस्थिति बनी, ये भी कौन बताने वाला है? जो कुछ फीडबैक मेरे पास आ रहा था उसको मैंने पहुंचाने का काम पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को किया है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करेगी हम सब पार्टी के निर्णय के साथ है। आखिर कौन है प्रकाश शर्मा? प्रकाश शर्मा का नाम कानपुर के दिग्गज नेताओं में शुमार है। वो अब तक बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल जैसे कई बड़े संगठन में बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं। शहर की राजनीति के साथ प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। बीजेपी के कानपुर सीट पर जिस प्रत्याशी रमेश अवस्थी का टिकट फाइनल किया गया, उसके चयन और उसके चुनाव लड़ने से होने वाले नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले प्रकाश शर्मा ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री को लिखी गई ये चिट्ठी अब वायरल हो गई है, जिसमें लिखा है कि कानपुर की भूमि क्रांतिकारियों की धरा है, यहाँ इस भूमि से जनसंघ से लेकर बीजेपी की जमीन तैयार हुई है, यहाँ पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिसकी पहचान कार्यकर्ताओं के बीच भी नहीं है। कार्यकर्ता और यहाँ के नेता को ये भी नहीं पता कि रमेश अवस्थी ने कब बीजेपी की सदस्यता ली, कब उन्होंने पार्टी में क्या योगदान दिया है। साथ ही प्रकाश शर्मा ने लिखा, क्या कानपुर की धारा कार्यकर्ता विहीन हो गई है, पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं और अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो प्रधानमंत्री जी आपका 400 पार का संकल्प अधूरा रह जाएगा। कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी आज अपना नामांकन भरेंगे, इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे पहले इस चिट्ठी को लेकर घमासान छिड़ गया है, बगावत और आपसी कलह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सिर्फ एक मुद्दा प्रधानमंत्री